हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 12 का सेशन चलेगा, रिवीजन चलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट जो एक क्लास चला था रिमूवल ऑफ टू का, तो आज है डे टू, जिसमें हम एक लिटरेचर का एक छोटा सा टॉपिक लिए है, जो क्या लिखा हुआ है, ए मैरिज प्रपोजल, यानी विवाह का प्रस्ताव। ठीक है, इनके जो लेखक है, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंटोन चीकॉफ के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, अगर अभी तक मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक है, तो देखिए, मैं सेशन को आज चालू करने जा रहा हूं। देखिए, तो आज हम बात करेंगे ए मैरिज प्रपोजल के बारे में, यानी विवाह का प्रस्ताव। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, ये जो एक मैरिज प्रपोजल है, देखिए यहाँ पर ए मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटन बाय एंटोन चीकॉफ, यानी ये जो लिखा हुआ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चीकॉफ के द्वारा। ठीक है, देखिए, ही वाज बोर्न इन रसिया, इनका जन्म हुआ था कहाँ, रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, रसिया में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि जो एंटोन चीकॉफ है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, रसिया होगा। ठीक है, देखिए, He was a famous dramatist and thought a story writer of Russia. ये कौन, एंटोन चीकॉफ, एक प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे और एक थॉट अ स्टोरी राइटर भी थे। कहाँ के थे, रसिया के, यानी रूस के। ठीक है, देखिए, द प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना और प्ले का मतलब भी होता है नाटक। तो ये जो स्टोरी है, ये लिखा हुआ है, ये है एक प्ले, यानी ये एक नाटक है। ठीक है, जो लिखा गया है एंटोन चीकॉफ के द्वारा। तो ये जो नाटक है, द प्ले प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल ऑफ नटालिया टूलोमोव, ये जो लिखा हुआ है ये एक समरी है। ठीक है, समरी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग को कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए समरी पढ़ा जाता है। यानी समरी होता है किस पूरे लेसन का एक संक्षिप्त रूप, यानी छोटा सा रूप, जिसमें हम पूरा बताएं कि इस चैप्टर में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, इसी का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। द प्ले प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल टू नटालिया टू लेमोव, यानी ये जो प्रेजेंट नाटक है, इसमें एक्यूरेट पिक्चर मतलब वास्तविक दृश्य दिखाया गया है, किसका, एक मैरिज के प्रस्ताव का, किसका किसका, एक नटालिया और एक लोमोव का। ये जो स्टोरी है, ये जो नाटक है, इसमें एक्यूरेट पिक्चर दिखाया गया है, किसका, मैरिज प्रपोजल का, यानी विवाह के प्रस्ताव का एक वास्तविक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें किन दोनों का विवाह के बारे में बताया गया है, तो नटालिया और लोमोव। ठीक है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में लोमोव एंड चुबोकोव आर फास्ट फ्रेंड। देखिए, तीन व्यक्ति का जिक्र टोटल मिला के इस चैप्टर में किया गया है, एक लोमोव है, एक नटालिया है, एक चुबोकोव है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पूछे कि लोमोव एंड चुबोकोव में क्या रिश्ता था, तो लोमोव एंड चुबोकोव एक दूसरे का फास्ट फ्रेंड थे, यानी बहुत गहरी दोस्ती। ठीक है, फास्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इस स्टोरी में लोमोव और चुबोकोव जो थे एक फास्ट फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लोमोव लव्स नटालिया, लोमोव जो था वो प्यार करता था किससे, नटालिया से। ठीक है ना, किससे प्यार करता था, नटालिया से, हु वाज द डॉटर ऑफ लोमोव फ्रेंड चुबोकोव। यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है वो घूम फिर के एकदम एक ही जगह पे आया है, सब आपस में मिला ही, मतलब सबका बात एक ही है कि इन दोनों का विवाह करवाना है, किसका, नटालिया और लोमोव का। तो उनका भी बात वही निकलेगा, उनका भी बात वही निकलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लोमोव और चुबोकोव ये दोनों एक फास्ट फ्रेंड थे। ठीक है, यानी दोस्त थे। ठीक है, और जो लोमोव था वो चुबोकोव की बेटी जिसका नाम था नटालिया, उससे क्या करता था, प्यार करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, या वही यहां पर बताया गया है कि अगर पूछे कि नटालिया किसकी बेटी थी, तो नटालिया चुबोकोव की बेटी थी। चुबोकोव और लोमोव में क्या रिश्ता था, तो दोनों एक दूसरा का दोस्त था। लोमोव किससे प्यार करता था, तो लोमोव नटालिया से प्यार करता था। नटालिया किसकी बेटी थी, चुबोकोव की बेटी थी। बात क्लियर है, सब घूम फिर के एक ही जगह पे जाएगा। ठीक है, देखिए,
लोमोव जो है नटालिया से प्यार करता था, जो कि हु वाज द डॉटर ऑफ लोमोव फ्रेंड चुबुकोव। लोमोव नटालिया से प्यार करता था जो उसकी ही फ्रेंड, लोमोव के फ्रेंड चुबुकोव की क्या थी, डॉटर थी। अभी मैंने बताया उसकी डॉटर थी। लोमोव वांट टू मैरी हर, लोमोव उससे शादी करना चाहता था, किससे, नटालिया से, बट लेकिन ही डज नॉट डेयर टू पुट द प्रपोजल ऑफ लोमोव, ही डज नॉट डेयर टू पुट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया। तो लेकिन वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसमें, किसमें, लोमोव में, ही डज नॉट डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, उसमें हिम्मत नहीं हुई अपना प्रस्ताव रखने का, किसके सामने, नटालिया के सामने। मतलब कहने का मतलब वो उससे शादी करना चाहता था, लोमोव किससे, नटालिया से, लेकिन वो उसके अंदर उतना हिम्मत नहीं था कि वो नटालिया के सामने अपने, यानी अपने दोनों का विवाह का प्रस्ताव रखे। बात है क्लियर, देखिए। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, नटालिया फादर, जो नटालिया के पिता थे, कौन, नटालिया के पिता कौन, चुबुकोव, ठीक है ना, चुबुकोव की बेटी ही थी नटालिया, ठीक है ना। तो नटालिया के जो पिता थे वो ऑल्सो वांट, वो भी चाहते थे हर डॉटर टू मैरी लोमोव। मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये जो स्टोरी है, ये जो नाटक है, घूम फिर के एक ही जगह आ रहा है। तीन आदमी है यहाँ पर, एक लोमोव है, एक नटालिया है, एक चुबुकोव है। नटालिया लड़की है और लोमोव और चुबुकोव लड़का है। नटालिया और लोमोव, ठीक है, यानी कहने का मतलब लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता था लेकिन उसके सामने बोल नहीं सकता था, और नटालिया के पिताजी भी चाहते थे कि हम लोमोव और नटालिया का शादी करवा दे। तो बोलिए, दोनों घूम फिर के एक ही बात है कि नहीं है, आप लोग बोलिएगा है। तो यही सिर्फ इसमें दिखाया गया है, लास्ट में इन दोनों का शादी हो जाता है। देखिए आगे, नटालियाज फादर ऑल्सो वांट हर डॉटर टू मैरी लोमोव, बट ही डज नॉट फाइंड अ वे हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री टू दिस प्रपोजल। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाइयों कि नटालियाज के दो पिता थे, वो भी चाहते थे कि उसकी बेटी जो है नटालिया, उसका शादी हम लोमोव से करवा दे, लेकिन वो उनके पास कोई वे नहीं था, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि कैसे हम अपनी बेटी का, मतलब अपनी बेटी के सामने इस प्रपोजल को रखें और उसको सहमत करें। किस चीज के लिए सहमत, नटालिया और लोमोव के विवाह के लिए। देखिए थोड़ा सा और है इसमें, इतना ही है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूं। देखिए अभी तक मैंने आप लोग को बताया, यहां पर बताया मैंने कि जो लोमोव थे वो नटालिया से प्यार करता था लेकिन वो उसके सामने इस बात को नहीं कह सकता, नहीं कह पाता था, अपने विवाह के प्रस्ताव को नहीं रख पाता था। तो उसका जो पिता था, क्या, चुबुकोव, वो भी चाहता था कि उसकी बेटी नटालिया और लोमोव का शादी हो जाए। यहां तक मैंने आप लोग को बताया। तो देखिए उसके आगे क्या हुआ, इसका पूरा स्टोरी मैंने क्लासरूम में बताया है अपने स्टूडेंट को। यहां पर रिविजन के लिए सिर्फ समरी और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट टेलीग्राम पे चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि 100 में 60% 65% तक क्वेश्चन ग्रामर का होता है, ठीक है। देखिए वन डे, एक दिन, उसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए वन डे, एक दिन, लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। एक दिन क्या हुआ कि जो लोमोव है वो अपने फ्रेंड, उसका फ्रेंड कौन था बाबू, तो चुबुकोव था, ठीक है, तो उसके घर पे आया, कौन आया, लोमोव आया। बाय चांस नटालिया कम्स देयर, अचानक से, या यू कहें तो, मतलब जो कहते, बाय चांस नटालिया कम्स देयर, नटालिया भी वहां आ गई। तो नटालिया कौन थी, चुबुकोव की बेटी थी, और नटालिया और लोमोव एक दूसरे से क्या करते थे, प्यार करते थे, ठीक है। तो देखिए वहां से अचानक बाय चांस क्या हुआ कि नटालिया वहां आई। लोमोव एंड नटालिया बिगेंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स लिफ एंड गेस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लोमोव था उसका जो डॉग था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिप, एंड द नटालिया का जो डॉग था उसका नाम था गेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि नटालिया का लिप और लोमोव का गेस, ठीक है ना, नटालियस के जो डॉग था उसका नाम था लिप और लोमोव का जो डॉग था उसका नाम था गेस, ठीक है। तो लोमोव एंड नटालिया विगेंस, शुरू कर दिए डिबेट करना, झगड़ा करना
ऑन देयर डॉग्स डॉग्स को लेकर जिसका नाम था लीप और क्या गेस। आया समझ में? देखिए इसके आगे दिस डिबेट या डिबेट या झगड़ा इतना बढ़ गया स्पीड अप कि बात आ गई ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड, यानी इतना बात बढ़ गया कि अचानक से उसमें जमीन के ऑनरशिप के चलते, जमीन के ऑनरशिप के बारे में लेकर दोनों में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, किसके बीच में, लोमोव और नटालिया के बीच में। देखिए इसके बाद दे स्टार्ट शॉर्टिंग हैविंग ही हेयर डिसऑर्ड, ये अचानक से चिल्लाने लगे दोनों, ठीक है ना, किस बात को लेके, ऑनरशिप ऑफ लैंड। पहले तो बात हुई दोनों के डॉग्स के बारे में, अगर दोनों के डॉग्स के बारे में लड़ाई होने लगी तो अचानक से ऑनरशिप ऑफ लैंड भी आ गया, यानी जमीन के विवाद को लेकर भी लड़ाई होने लगी दोनों में। अब क्या कह रहे चुबुकोव, चुबुकोव तो चाहता था कि हमारे बेटिया के विवाह हो जाए ओकरा से, बोलिए बाबू चाहता था कि नहीं, तो अचानक से दोनों लड़े लगा और लड़े लगेगा तो बोलो होगा नहीं होगा। देखिए चुबुकोव, चुबुकोव जो था became fainted and pretend to be dying and appeals to Lomov and Natalia to accept the marriage proposal। चुबुकोव जो था दिमाग लगाया, काची किया दिमाग लगाया, वो काची किया बाबू, सबसे पहले तो ये दोनों का लड़ाई देख के वो मूर्छित हो गया, मतलब बिल्कुल सूना सूना हो गया, मतलब सैड हो गया जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वही फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित, तो चुबुकोव जो था वो फेंटेड हो गया और प्रिटेंड जानबूझकर, वो उसके पास तो दिमाग में कुछ होना चाहिए था क्योंकि वो दोनों के तो शादी करवाना चाहता था वो अपने बेटिया के, किस से, लोमोव से, तो चुबुकोव जो था, ठीक है ना, चुबुकोव जो था वो मूर्छित हो गया और जानबूझ के नाटक करने लगा मरने का, किस चीज का, मरने का। इसके बाद बढ़िया ट्रिक मिल गया एंड अपील्स, और अपील्स करने लगा लोमोव और नटालिया को कि दोनों को शादी का प्रस्ताव रखो और दोनों को एक्सेप्ट करवा लो। देखा कितना बढ़िया ट्रिक लगाया, ये ट्रिक लगाया मरने का, यानी जानबूझकर नौटंकी किया कि हम मर थी हो जब दोनों को ब्याह करवावा रहा तो हम चल जाए थे ऊपरे ऊपरे जल्दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि चुबुकोव प्रिटेंड जानबूझकर नाटक किया मरने का और अपील किया किसको, लोमोव और नटालिया का, नडालिया को, कि आप दोनों विवाह के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कीजिए, और फाइनली वही हुआ जो चुबुकोव चाहता था, फाइनली बोथ और बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल, यानी लास्ट में क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विवाह के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिए, प्रपोजल को क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, ठीक है। देखिए लास्ट इन दिस वे देयर डिवोर्स टर्न्ड इनटू मैरिज, ये दोनों अभी लड़ रहा था मारा पीटी कर लेता, ठीक है, तो ये जो डिबेट था, ये जो झगड़ा था तुरंत टर्न्स हो गया किसमें, मैरिज में, विवाह में। देन तब आफ्टर नटालियाज फादर चुबुकोव कम्स टू हिज सेंसेस एंड बिकम हैप्पी दैट हिज डॉटर इज गोइंग टू मैरी अ वेल्दी मैन, तब क्या हुआ कि नटालिया के जो पिता थे, कौन थे, चुबुकोव, वो बहुत खुश हुए, खुश इसलिए हुए क्योंकि देखिए बाबू कोई भी बाप चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर जाए, यानी अच्छे आदमी से उसका विवाह हो, और लोमोव जो था वो बहुत वेल्दी मैन था, बहुत ही अच्छा मैन था, उसके पास वो सारी सारी चीजें थी जो उसको जीवन में चाहिए, ठीक है ना, पैसे से भी था और मतलब कहने का मतलब उसके पास सब चीज था जो उसको चाहिए, यानी जिससे उसकी बेटी नटालिया खुश रह सके। तो बोलो बाबू अगर कोई बेटी है तो उसका बाप तो यही चाहेगा कि उसकी बेटी जहां भी जाए अच्छे से रहे, खुश रहे, तो वो इसलिए खुश था, वो इसलिए खुश था क्योंकि वह जैसा चाहता था कि जैसा मेरा पति मिले, किसका पति, उसकी बेटी का पति, वैसा ही उसको मिला, यानी वह एक वेल्दी मैन था और वह बहुत खुश हुआ उन दोनों का विवाह करवा के। यही हमारा इसका समरी है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव पूछे तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव हम मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ यही देखिए और बढ़िया से इसको एक बार दो बार पढ़िए और इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। अगर पूछे कि मैरिज प्रपोजल में क्या किया गया है, तो मैरिज प्रपोजल में विवाह का एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें तीन व्यक्ति, जिसमें एक थी महिला और दो था पुरुष, ठीक है, एक नटालिया, लोमोव और चुबुकोव, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है नटालिया, लोमोव और चुबुकोव। लोमोव तो था वो नटालिया से प्यार करता था लेकिन वो कह नहीं सकता था कि हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, यानी कैसे कहे, कजाक सीधे बोले हम तरह से प्यार करें, मारेंगे दूल्हा पड़ मुंह पे, ठीक है ना। तो और लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी था कि नटालिया का पिताजी भी चाहता था कि दोनों को ब्याह हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही है। तो दोनों एक दूसरा से क्या किया, लड़ने लगा। तब चुबुकोव सोचा कि कैसे हमको बेटी की शादी उससे होगा, तो वो कुछ ही किया कि नाटक करने लगा, ठीक है ना, नाटक करने ये लगा कि वो बोला कि हम मर थी हो, देखो हम, देखो बोल रहा है कि हम अब मर थी हो, अब अपील सब तो नहीं दोनों से कि तो आप लोग दोनों विवाह के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है।
तो देखिए ये आज मैंने एक मैरिज प्रपोजल का वीडियो देखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, ये देखने के बाद मैंने बताया था कि आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो टेलीग्राम प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश विद वरुण को सर्च कीजिए और उस पे टेस्ट का सेशन ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद डे वन डे टू ऐसा करके टेस्ट में लिखा हुआ रहेगा हेडिंग ऊपर, ठीक है ना, तो उसको आप लोग मिलेगा। ये जो था वो डे टू था, ठीक है ना, यानी दूसरे दिन का था। अगले दिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यानी कोई ग्रामर का ही सेशन रहेगा या लिटरेचर का ही सेशन रहेगा। आप लोग को जितना जिसका ज्यादा चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका पहले चाहिए उसको कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत रहे उसमें कमेंट कीजिए, यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले दिन, आपका दिन मंगलमय हो और यही मेरी कामना है, और बाकी तो चलते रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।